ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15। नॉट ए टाइम टू स्टार्ट ए व्लॉग ऑब्वियसली, बट क्या करो, पूरा दिन टाइम मिला ही नहीं बिल्कुल भी बिकॉज ऑफ ऑफिस पैकिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इसके पहले वाले सारे जो क्लिप्स मैंने ऐड किए उसमें तो यू वुड हैव सीन दैट वी आर गोइंग समवेयर, राइट? यस, कार तो इट्स स्टफ्ड, इट्स पैक्ड कम्प्लीटली। तो अभी सारा लियो का सामान सब पैक किया, ममता सो गई है, लियो सो गया है। एंड देन आई वाज लाइक चलो आज का इंट्रो तो करना पड़ेगा एंड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन कमिंग फॉर ए रियली लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से मेरे को करना था। तो अभी ऑफिस का वापस से वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है एंड दैट विल अगेन कंटिन्यू फॉर आई थिंक नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग तक तो चलने वाले का सीन सुनने में तो आ रहा है। सो वी थॉट वाई नॉट थोड़ा लंबा रह के आते हैं। तो लंबा रह के आते हैं, अभी जाने का बहुत सारे ऑप्शंस तो है, लाइक फ्लाइट, देन वी हैव ट्रेन एज वेल। तो हुआ क्या था, ट्रेन का टिकट मैंने बुक किया, तो ट्रेन का टिकट वॉज कमिंग अप टू अराउंड 6,500 पर पर्सन, लाइक मेरे और ममता का इट वुड बी अराउंड 13,000, फिर लियो के लिए अनदर लाइक 2,000-2,500 आई गेस। सो टिकट्स मिला के 15,000 के आसपास का आ रहा था। फिर RCTC को कॉल करा तो देन दे वर लाइक कि नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड वी डोंट गिव यू फूड, तो फूड बाहर से लेना पड़ेगा। मेरे दिमाग में आया कि बड़े बड़े स्टेशन में उतरना पड़ेगा खाना लेने के लिए, तो उस टाइम पे तो मेरे को लियो को ऑब्वियसली लाइक सुसपोटी करने वगैरह, ममता को तो बाहर लेके जा नहीं सकते, लगेजेस होंगे तो ट्रेन में एक जन को रहना पड़ेगा, एंड विथ लियो आई कैन नॉट गेट फूड, तो ट्रेन का ऑप्शन था नहीं वो। फिर ट्रेन का टिकट्स मैंने सारा कैंसिल कर दिया। फ्लाइट का वॉज ए गुड ऑप्शन, बट अगैन फ्लाइट वॉज टू एक्सपेंसिव, एंड देन गुवाहाटी में उतर के देन वी अगेन हैव टू टेक लाइक 3-4 आवर्स का ट्रेन, तो उसके लिए वापस से ट्रेन में फर्स्ट क्लास जर्नी बुक करना पड़ता। एंड कार का ठीक है, चलो पापा को बोल सकते कि कार लेके आ जाओ एयरपोर्ट, बट देर अगैन इज बिट हेक्टिक, तो पापा को आदत नहीं है वो सब कार ड्राइविंग का। देन द लास्ट ऑप्शन विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, 3,000 किलोमीटर्स का ट्रैवल करेंगे बैंगलोर से आसाम, नेम ऑफ द प्लेस इज बंगाईगांव। फाइनली वी डिसाइडेड कि चलते हैं, वेरी लकी दैट ममता ने एक बारी भी मना नहीं करा एंड शी वॉज लाइक कि चलो चलते हैं। टाइम लगेगा, येस दिस इज एक्सपेंसिव एज वेल, नॉट लाइक फ्लाइट बट लिटिल बिट मोर देन ट्रेन एज वेल, तो ठीक है। तो उसी के साथ आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, जस्ट लाइक इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोगों ने अभी तक क्या प्लान करा हुआ है, वेयर आर वी स्टेइंग, कितने दिन का ट्रिप है। एवरी डे वी हैव प्लान टू लीव द स्टार्टिंग पॉइंट अराउंड मे बी 4:35 ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी निकल जाए, एंड बाय द टाइम ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो वी वुड बी लाइक मे बी एटलीस्ट 200 किलोमीटर्स आउट ऑफ द प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया रहेगा। द रीज़न वाई दिस अर्ली एवरी डे बिकॉज आई एम द ओनली वन ड्राइविंग ऑब्वियसली, देन आई वॉज लाइक नाइट ड्राइविंग नहीं करते, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। येस, नाइट ड्राइविंग करने से मे बी 1-1.5 डेज शॉर्ट पड़ेगा, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे। सो टोटली इट विल बी ए 5 डेज का ड्राइव, अप्रॉक्सीमेटली 3,000 किलोमीटर्स। टुमारो मॉर्निंग अराउंड 4:30 का प्लान है निकलने का, 4:30 to 5 o'clock, थोड़ा हल्का सा दिन टाइप हो जाएगा। वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज लाइक येस वी बोथ आर वैक्सीनेटेड, सो अगर स्टेट बॉर्डर्स में भी कुछ अगर पंगा हो तो होपफुली कोविड रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा झोल झमेला होगा नहीं। तो चलो उसी के साथ शुरू करते हैं, आई शो यू द रूट मैप एंड एवरीथिंग। ये खोल दिया मैंने गूगल मैप्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, दिस इज़ आर होम विच इज़ इन बैंगलोर। तो यहाँ से ट्रैवल करेंगे हम लोग, फर्स्ट डे था, फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ टुमारो बाई इवनिंग रीच करना ही है इज़ विजयवाड़ा, विच विल बी या अप्रॉक्सीमेटली 672 किलोमीटर्स। देर आर लाइक 2-3 अदर वेज इज वेल, बाकी वेज में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट मे बी द किलोमीटर इज लिटल लेस, एज यू कैन सी लाइक 657 and 669। बट आई वॉन्ट टू टेक दिस रूट बिकॉज इस रूट पर काफ़ी बारी ट्रेन वगैरह भी आई गेस इट टेक्स ऑलमोस्ट दिस रूट एज वेल, चेन्नई होके जाती है बट स्टिल बहुत सारे प्लेसेस मेरे को वेल नोन लगे। सो दिस इज लाइक द मेन हाईवे, सो हाईवे का डिटेल्स सब वगैरह आई विल मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो अगैन एट द लास्ट ब्लॉग। सो यहाँ से जाके तिरुपति वगैरह होके फिर ऊपर इधर गुंटूर पार करके देन विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में हम लोगों को वी हैड लाइक आई थिंक 3 or 4 ऑप्शंस बिकॉज नॉट एवरी होटल अलाउज पेट्स। टुमारो द प्लेस दैट वी आर गोइंग टू इज कॉल्ड होटल सवेरा ग्रैंड विच सीम्स टू बी एट द हार्ट ऑफ द सिटी बिकॉज मेरे लाइक आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम विजयवाड़ा एंड ही टोल्ड मी दैट इट्स राइट एट द हार्ट ऑफ द सिटी। तो वहाँ पे लाइक होटल्स का हो या फिर लैंडमार्क वाइज यू वोंट हैव मच डिफिकल्टीज और लोकेलिटी वाइज भी इट्स क्वाइट गुड। नाइट का भी कुछ नहीं है, हल्का फुल्का खाओ एंड देन जस्ट रेस्ट, सो जाओ,
लियो को भी रिकवर करना है, लियो को भी सोना है, बिकॉज दिस इज क्वाइट लॉन्ग ट्रिप फॉर हिम एज वेल. नेक्स्ट डे अगेन फ्रॉम विजयवाड़ा. सो विजयवाड़ा इज लाइक द एंड ऑफ डे वन. सो डे टू वी विल स्टार्ट फ्रॉम विजयवाड़ा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, एंड देन वी विल ट्रेवल टूवर्ड्स ओडिशा. एवरी डे आई ट्राइड, इट्स नथिंग लाइक कि किसी ने सजेस्ट करा है, एंड आई ट्राइड टू लुक फॉर द बेस्ट सिटीज जहाँ पे जाके रह सकते हैं एंड स्टफ. नो, नथिंग लाइक दैट. आई ट्राइड टू मेंटेन की डेली का 6 से 6:50 अप्रॉक्स 1 किलोमीटर्स का रेंज हो. तो ये रहा रूट विच विल अगेन फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू लाइक प्रीटी नोन प्लेसेस लाइक राजमुंड्री, देन विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम के तो चलो ऊपर से निकल जाएंगे, वी विल नॉट गो इनसाइड द सिटी. फिर आगे बाई इवनिंग वी हैव टू रीच ब्रह्मपुर. देर आर ओनली 2 places विच अलाउज डॉग्स, 2 होटल्स इन फैक्ट. So the place that we are going in, it's called Hemo Chandra Bhavan. The reviews were quite good, and by the way, both hotels from booking.com. So nothing like I wanted direct call karke ya fir unke website se jaake book kiya. I wanted to be like little sure ki ha ek reputed website mein ho unka hotels. So that's why, because Phuket wagera jab travel kar rahe the hum log, to that time also I booked it from booking.com. to wahan se fir next day hum log Brahmapur se we will travel towards Kolkata, obviously in West Bengal. तो कोलकाता में वी डोंट हैव टू स्टे इन एनी होटल. वहाँ पे मेरे मामा का घर है. आई हैव माई ओन प्लेस देयर, आई हैव माई कजिन्स, सो विल गो देयर. सो अगेन प्रीटी वेल नोन प्लेस. विल गो थ्रू कटक, विल गो थ्रू भुवनेश्वर, एंड देन बालासोर ऊपर ये खड़गपुर के साइड से होते हुए विल गो टूवर्ड्स कोलकाता. सो कोलकाता में द नेम ऑफ द प्लेस वेयर वी आर गोइंग इज शोधपुर. दिस इज वन वेरी एक्साइटिंग. इस दिन वाले रूट पे देर आर प्रीटी गुड सीनिक प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड तो डेफिनेटली करना पड़ेगा. वन इज़ दिस चिल्का लेक, विच मैनी ऑफ यू विल नो अबाउट दिस प्लेस. सो चिल्का लेक के फिर आगे कोलकाता घुसने के टाइम पे ही वी हैव द हुगली ब्रिज, विच इज़ वेरी वेरी फेमस. नॉट द हावड़ा ब्रिज बाय द वे. प्लान तो पहले था कि नहीं उसी दिन, अगेन सेम लाइक द अदर 2 days, उसी दिन पहुँचो रात, नेक्स्ट डे अगेन अर्ली मॉर्निंग 4:35 o'clock निकल जाओ. बट देन कजिन्स वेल लाइक कि नहीं स्टे वन डे, वहाँ पे जाके थोड़ा घूम लो, आराम से एक दिन रेस्ट भी कर लो. देन वी वेल लाइक ठीक है, ये भी सही है, बिकॉज 3 days 12 hours ड्राइव के बाद लियो, स्पेशली लियो विल बी एग्जॉस्टेड. हम लोगों को भी एक दिन रिकवर, मे बी जस्ट थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा. सो वी डिसाइडेड विल स्टे बैक. यहाँ से फिर शोधपुर से एक दिन रुकने के बाद वी विल ट्रैवल टूवर्ड्स सिलीगुड़ी. दिस इज बिट इंटरेस्टिंग दिस रूट, बिकॉज ये अब तक का सबसे किलोमीटर वाइज देखोगे ये कंपेयर ऑल 4 days, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट. बाकी दिन इट वॉज लाइक वट 672, देन 618. दिस इज़ लाइक द शॉर्टेस्ट विच इज़ 546 किलोमीटर्स. तो उस हिसाब से तो टाइम कम लगना चाहिए, बट गूगल मैप्स इज शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 13 आवर्स का ड्राइव राइट नाउ. अभी तो चलो 10:30 हो रहा है, तो इस टाइम के आसपास का ये टाइम है नाइट ड्राइव के हिसाब से. बट दिन में देखो तो इवन अर्ली मॉर्निंग मैंने भी एक दिन चेक करा है, इट शोज अबाउट 13+ hours का ड्राइव. सो दिस विल बी लिटिल बिट हेक्टिक, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री कि सारा रोड्स इट्स नॉट दैट स्मूथ, देर विल बी सम बम्पी रोड्स इज वेल. तो वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा उस दिन के लिए. एंड नेक्स्ट डे सिलीगुड़ी से घर तक का रास्ता, इट्स तो सिलीगुड़ी से बंगाईगांव तक का रास्ता विल बी, तो यहाँ पे भी 2 रास्ता है. दिस रास्ता आई नो बिकॉज आई हैव बीन अगेन टू दिस प्लेस मे बी वंस और ट्वाइस. तो ये वाला रास्ता बहुत सही है, इट लुक्स सुपर्ब, इट्स फुल ऑफ जंगल. तो चलो ये था पूरा रूट का मैप, डायरेक्शन, कहाँ रुकेंगे एंड एवरीथिंग. तो अभी एज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन सारा गेज वगैरह तो जाएगा ही, कैमरा ये सब चीज़ का. देन अपार्ट फ्रॉम दैट लगेज बहुत हो गया यार सच बोलूँ तो, बिकॉज 2-3 bags है, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टे एटलीस्ट फॉर 4-5 months. फिर ठंडी भी पड़ेगी दिसंबर के आसपास, नवंबर एंड से, एंड वी प्लानिंग टू कम बैक बाय जनवरी मोस्टली. तो उस टाइम पे अपने साइड पे लाइक नॉर्थ ईस्ट साइड पे तो बहुत ठंडी होती है, एंड देन वी हैड टू टेक लॉट ऑफ जैकेट, स्वेटर्स एंड स्टफ. अच्छा ग्लिम्स तो आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी द पैकिंग का, एंड सुबह जब ट्रैवल करेंगे द फर्स्ट डे उस टाइम पे विल शो लिटिल बिट मोर एंड देन स्टार्ट द जर्नी. आर सम चेकलिस्ट दैट आई प्रिपेयर्ड लाइक मेडिसिन, खाना. सो वी आर ट्राइंग टू ईट एज लाइट एज पॉसिबल. सब मैक्सिमम चीज़ हम लोगों ने ले लिया है घर से ही, लाइक स्नैक्स वगैरह हो गया, थोड़े एनर्जी ड्रिंक लाइक रेडबुल टाइप चीज़, एंड देन कॉफ़ी.
चॉकलेट्स ले लिया भर के, मेडिसिन ले लिया लियो का भी अपना भी. वी थॉट ऑफ टेकिंग रोटी बाय द वे, बट वो टाइम मिला नहीं बनाने का, सो वी हैव टू ईट फ्रॉम आउटसाइड इटसेल्फ. देखते हैं, कप नूडल्स लेके रखा हुआ है, गर्म पानी लेके चलेंगे कल एंड एवरी डे फ्रॉम द प्लेसेस दैट वी स्टे. पहला दो दिन कप नूडल्स से ही लंच हो जाएगा, डिनर तो ऑब्वियसली जाने के बाद द प्लेस वी आर स्टेइंग वहीं पे करेंगे. तो आज के लिए फिर इतना ही. इट विल बी फन, इट विल बी इंटरेस्टिंग. थोड़ा येस, आई एम गेटिंग लिटिल स्केयर्ड एज वेल बिकॉज फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जर्नी अलॉन्ग विद ममता एंड लियो. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी स्केरी, will be adventurous hopefully. ज़्यादा कुछ problem होना नहीं चाहिए hopefully. Do hope that we travel आराम से घर पहुँचे and फिर lot of vlogs obviously. And the plan is like every day का एक एक vlog and then एक one single part of entire Leo's journey covering most of Leo, where जहाँ पर हम लोग we will try to put ourselves as less as possible and we'll try to just show how Leo is reacting to the entire journey and उसका तबीयत कैसा रहता है, वो खाना पीना कैसे करता है, कहाँ उसको like we'll take for a walk and stuff, right? So all those things, ताकि आगे कोई भी ऐसा कुछ करना चाहो तो it will be helpful for you guys. इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं. प्लान अच्छा लगा, जैसे भी मैंने कवर करने का ट्राई किया वो सारा चीज़ अच्छा लगा, तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल एंड स्टे ट्यून्ड, देयर विल बी लॉट ऑफ फन. Total 6 bags and one is already inside the car.